तरह मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है। इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों का काफी निराशाजनक प्रदर्शन। हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी सपना था, प्यार से, मेहनत से, लगन से। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में भारत की एक और हार। जो मैं करना चाहता था वो बारह बेटा करके दिखाएगा। देश के लिए गोल्ड मेडल लाना, देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। मुबारक हो भाई साहब, चौथी भी छोरी हुई है। मैं आपको छोरा ना दे पाई। गलत मत समझ मने, गीता और बबीता दोनों ही बहुत प्यारी हैं, पर मेरा जो सपना है ना, सिर्फ छोरा ही पूरा कर सके। लगता है गोल्ड मेडल के लिए भारत को और इंतजार करना। जो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं, सोचा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था, गीता बबीता ने मारा है। शुरुआत इतना करी थी पापा। छोरी। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी। करी थी पापा, मना कुतिया कह रहा था बबीता ना कमीनी, हम ना बिटा दिए दो चार। मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। मैं उसने हटा दूंगा। हाथों की पहलवानी अब तक लोग का। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे। गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। Dangal, dangal.